पाकिस्तान को अब जरा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जो जक पाकिस्तान ने भारत को दिया है उसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस चालाकी से पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबे को पूरा किया है वो चालाकी अब ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब तो सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। बस यही तो सुनना चाहता था पूरा देश, यही तो चाहता था कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो वो कीमत क्या होगी, किस तरह भारत रिएक्ट करेगा, किस तरह से हमारी सेनाएं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखा सकती है, क्या हमारी सेना कर सकती है, हमारी सरकार क्या कर सकती है, हमारे पास विकल्प क्या है और ये विकल्प कितने कारगर है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं विकल्प की। विकल्प नंबर एक, बोफोर्स तोप का इस्तेमाल पहले विकल्प के तौर पर कर सकते हैं। बोफोर्स को जम्मू कश्मीर में ऊंची पहाड़ियों पर लाया जाए और उसको लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाए। उसके बाद बोफोर्स तोप के गोले पीओके में बने आतंकियों के कैंप और उनके ठिकानों पर दागे जाए। तोप के गोले गिरते ही आतंकियों के ठिकाने तबाह हो जाएंगे और भारत को एक बड़ी सफलता हाथ लगेगी। विकल्प नंबर दो, पाकिस्तान के खिलाफ सुखोई 30 विमान का इस्तेमाल भारतीय सेना कर सकती है। 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले इन बेहद खतरनाक विमानों का इस्तेमाल आतंकियों के कैंपों को तबाह करने में किया जा सकता है। सुखोई विमान को LOC के पास भारतीय सीमा में ही रखा जाए और वहां से आतंकियों के ठिकाने पर निशाना लगाकर उनको नेस्तोनाबूद कर दिया जाए। अब बात करते हैं विकल्प नंबर तीन, इसके तहत भारतीय सेना के जवान LOC पार करके POK में घुसे और बेहद सावधानी और सतर्कता से वहां सक्रिय कैंपों पर हमला बोलते। भारी संख्या में अचानक हुए हमले से आतंकी हड़बड़ा जाएंगे, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और आतंकियों को मौत के घाट उतारने के बाद हमारे जवान वापस लौट आए। अब बात विकल्प नंबर चार की, इस विकल्प में पैदल जवानों की जगह भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां LOC पार करके POK में घुसे और वहां सक्रिय आतंकवादी कैंपों पर ताबड़तोड़ हमले करते। अचानक हुए हमले से आतंकियों की कमर टूट जाएगी, इस तरह से आतंकियों का सफाया भी हो जाएगा और हिंदुस्तान को कोई हानि भी नहीं होगा। अब बात सबसे शक्तिशाली विकल्प की, भारतीय सेना आतंकवादियों के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। बेहद खतरनाक और बेहद अचूक माने जाने वाली ये मिसाइल जब भारतीय सीमा से दागी जाएगी तो दुश्मन की धरती कांप उठेगी। एक एक मिसाइल आतंकियों के एक एक कैंप को ध्वस्त कर देगी और आतंकियों का जड़ से सफाया हो जाएगा। अब बात आखिरी विकल्प की, भारतीय सेना समुद्र के रास्ते आतंकिस्तान को घेर कर उस पर प्रहार कर सकती है। भारत की थल सेना, वायु सेना और नेवी एक साथ काम करेगी तो चौतरफा हमला करके आतंकियों की कमर तोड़ी जा सकती है। इस हिसाब से भारत सरकार और भारतीय सेना इन 6 विकल्पों के जरिए आतंक का सफाया कर सकती है। इसके जरिए आतंक को पालने वालों को सबक भी सिखाया जा सकता है।